बल्लारी जिले संडूर विजय संकल्प यात्री पागंद बढ़िक बूर टौन हाल प्रबुद्धर सभ्य केंद्र गृह सचिव अमित शा भाग संवाद अमित शा ना धर्म आधार आड़ नडस्ता नम योजने धर्माधारित अल विकास हादली ना वर्गदर जो कर्क हाँ अल्ते भारत राजकीय व्यवस्थे देश राजकीय स्थितिगति प्रधानी नरेंद्र मोदी नेतृत्व में आद मनवंतर विषय संवाद अमित शा चर्चा बढ़िया कांग्रेस जेडीएस पक्ष विरुद्ध अमित शा वाग्दाड़िया जेडीएस परिवार वाद के अंटिक मन सदस्य राजकीय कांग्रेस पक्ष कूड़ा पूर्ण कुटुंब राजकारणवे इवेरू पक्ष विभिन्न पक्ष बीजेपी आगे नम पक्ष परिवार वादव बलवा विरोध ब्रिटिश अधिकार स्थापित वाद पक्ष कांग्रेस ब्रिटिशर मनस्थित आदि नम पक्ष आइडियोलॉजी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आगे अंत मात चाटिया बीस ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೇಲೆ ಹೇರಲಾಗಿದ್ದ 370 ನ ತೆಗೆಯಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಒಂದು ಭ್ರಮೆಯೇ ಅದು ಅಂತ ಇದ್ದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಸಕ್ಸೆಸ್ಫುಲಿ ಮತ್ತೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೂಡ ಒಂದು ಕನಸಾಗಿತ್ತು ಅದು ಇವಾಗ ನನಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ कश्मीर मेले चुनावी व्यवस्था में जाना शुरू किया तब पार्टियां कन्वर्ट पार्टियां बनना शुरू हुई और जैसा पहले मैंने कहा कि संसदीय लोकतांत्रिक प्रणालिका में पार्टियों का महत्व बहुत बड़ा होता है तो उस वक्त बड़े बड़ी चार आइडियोलॉजिकल ग्रुप में आप पार्टियों को बांट सकते एक कांग्रेस पार्टी थी दूसरा जनसंघ बना तीसरा समाजवादी और सोशलिस्ट सोच के लोग थे और चौथे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे ये चार बड़े बड़े ग्रुप आइडियोलॉजी की दृष्टि से देश के अंदर बने और लोगों के सामने चार ऑप्शन थे कांग्रेस के साथ जाना जनसंघ के साथ जाना समाजवादी सोशलिस्टों के साथ जाना या साम्यवादियों के साथ जाना मैं बाद में इसकी मीमांसा करता हूँ पहले आज यहाँ खड़ा रहकर हमें बहुत ढंग से सोचने की जरूरत है मैं तो मेरे विचार यहाँ पर आपके सामने रखूंगा और मुझे पवित्रता से आपको बता देना चाहिए कि मैं एक आइडियोलॉजी से बंधा हुआ हूँ मेरा नजरिया न्यूज़ फर्स्ट प्रतीक्षणा न्यू दिगे